मधुबनी जिले के बाबूबरही थाना अंतर्गत घुंघोर गांव में पिछले 5 दिनों से पत्नी का हक मांगने के लिए धरने पर बैठी ज्योति झा को आखिरकार सामाजिक स्तर पर न्याय मिल गया। मीडिया ट्रायल के बाद समाज ने कदम आगे बढ़ाते पंचायत स्तर पर बैठक करके ज्योति को उसका अधिकार और सम्मान वापस दिलाया है। मिली जानकारी के अनुसार बाबूबरही के घुंघोर गांव निवासी व बेनीपट्टी विधायक विनोद नारायण झा के पहल के बाद गांव में सामाजिक स्तर पर पंचायत बुलाई गई थी, जिसके बाद इसका निराकरण किया गया है। बता दें कि प्रेमिका ज्योति झा पिछले 5 दिनों से अपने ससुराल घुंघोर में धरने पर बैठी थी। पति माधव झा ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया था और कहा था कि वह सिर्फ मेरी दोस्त थी। यहां तक कि माधव झा ने ज्योति झा के साथ सामने आई तस्वीरें और वीडियो को लेकर भी उसे एडिटेड बताया था और कहा था कि लोग मुझे फंसा रहे हैं। वहीं मीडिया ट्रायल के बाद हुई पंचायत में माधव झा ने समाज के सामने यह स्वीकार कर लिया है कि उसकी शादी ज्योति झा से हो चुकी है और अब दोनों पति पत्नी के रूप में जीवन यापन करेंगे, जिसका बॉन्ड भी समाज के सामने बनवा दिया गया है। इधर मीडिया ट्रायल में माधव झा के संबंध बेनीपट्टी विधायक विनोद नारायण झा से होने के सवाल पर पंचों ने कहा कि माधव झा विनोद नारायण झा के भाई नहीं है, जबकि विधायक विनोद नारायण झा के बेटे विभय झा के कई फेसबुक पोस्ट में इस बात का जिक्र देखा गया है, जिसमें वह माधव झा को चाचा कहते हुए नजर आ रहे थे, जो अलग ही कहानी और संशय की स्थिति पैदा कर रही थी। इसके परे पंचायत के दौरान सभी मीडिया कर्मियों को बैठक को कवरेज करने से रोका गया। बैठक में सिर्फ चुनिंदा मीडिया संस्थान, जो पिछले 5 दिनों से खबर की जानकारी होते हुए भी मामले को दबाए हुए थे, उन सभी की एंट्री पंचायत में मिली। इसके अलावा विधायक के गाँव के लोग जहाँ सामाजिक स्तर पर समस्या निपटारे में अहम भूमिका निभा रहे थे, वहीं कुछ ऐसे भी समर्थक थे जो स्थानीय नहीं थे और अव्यवहारिक रूप से मीडिया कर्मियों से बात कर रहे थे। मीडिया ट्रायल में पीड़िता द्वारा विधायक के नाम आने से मीडिया को वह निशाना बना रहे थे। वहीं मामले में ग्रामीण स्तर पर पंचायत की कार्रवाई खत्म होने के बाद लोगों ने बताया कि ज्योति झा और माधव झा ने एक दूसरे को स्वीकार कर लिया और अपनी स्वेच्छा से गांव से बाहर जाने की बात कही है। प्यार की कहानी है, काफी चर्चा हो चुका है। आज पंचायत था, पंचायत में क्या फैसला सुनाया गया? पंचायत में सर यही हुआ कि माधव और ज्योति पंचायत गांव के समाज के लोग कुछ थे वहाँ बैठे हुए, दोनों को निर्णय दिया गया कि दोनों आदमी अपना विवाह करके सामंजस्य से रहे और दोनों कहीं गांव से, माधव और ज्योति दोनों बोली कि मैं गांव से बाहर ही रह के जीवन यापन करूँगा। तो गाँव को फैसला मंजूर हुआ, दोनों बाहर रह के अपना जीवन यापन करें पति पत्नी के रूप में। अच्छा, माने माधव का पालन पोषण का भी लड़की के ऊपर ही खर्च दिया गया? नहीं, हुआ माधव दोनों कमाएंगे दोनों खाएंगे, सीधा बात, मैं गैर खाने वाला काम नहीं करूंगा, दोनों कमाएंगे दोनों खाएंगे। अच्छा, माधव हो सकता है कि पत्नी बीमार हो जाए तो पति का भी है, पति पति बीमार हो तो पत्नी का दायित्व बनता है, दोनों सामंजस्य है, दोनों को कमाए खाना पड़ेगा। पंचायत का ये निर्णय हुआ कि एक नहीं महिला कमाएगा हम खाएंगे, ये बात नहीं है। अच्छा, 15 दिनों का दिया गया था, 5 दिन का हो गया है, 5 दिन के बाद दोनों अपने, क्योंकि लड़की रहना चाहती थी लेकिन लड़का ने कहा कि मैं बाहर ही रहूँगा, इसलिए बाहर जाने के लिए तैयार है, बाहर जाएगी लड़की अपना। अच्छा, ये जो माधव है ये कौन, विधायक जी के सुन रहे हैं कि भाई है, चचेरा या? ये हम विधायक जी के भाई नहीं हैं, विधायक जी से दूर हैं वो, विनोद नारायण जी से, वो जानबूझ के लोगों ने उनका ऊपर कीचड़ उठाया है, तो उनका रिश्तेदार नहीं है ये? नहीं, रिश्तेदार। लेकिन लड़की तो बोल रहे हैं कि मेरी जेठ है वो। हाँ, लड़की जो बोले उसके बोलने में फ्री है, लेकिन विधायक जी सर कोई दो, विधायक जी से बड़ी। चल, क्या नाम हुआ आपका? अनिल कुमार सर जी। ज्योति का जो मामला है, क्या हुआ उस मामले में? मामला है कि सामाजिक स्तर से समझौता भ गए, दोनों आदमी एक्सेप्ट कर लेकिन कि हम दोनों आदमी शादी करने चल, मामला सामाजिक स्तर से समाप्त कर दिए। तो क्या क्या मतलब क्या क्या फैसला सुनाया गया था? फैसला जो बॉन्ड बना दिल गए। क्या बॉन्ड बना था? बॉन्ड दोनों आदमी पति पत्नी छे, समाज के रूप में अगर निर्णय ले गए, आप दोनों आदमी 5 दिन के बाद अंदर में अपन दोनों आदमी जहाँ रहो तहाँ रहो, आप दोनों आदमी मिल करो। अच्छा, तो गांव के माने पंचायत का फरमान भी जारी हुआ है कि गांव से ये लोग बाहर जाएगा? हाँ, नहीं नहीं, गांव से खुद ही लोग अपने एक्सेप्ट कर लेंगे, हम लोग गाँव से बाहर जाएंगे। पंचायत स्तर से कोई ऐसा नहीं, कोई दबाव नहीं, कहीं से कोई दबाव नहीं, सब लोग अच्छा से एक्सेप्ट किया। क्या नाम हुआ? शिवराम ठाकुर।